हफ्ते पहले शुरू हुए इंडियन आइडल के ऑडिशंस में पूरे देश भर से आए 13,000 से ज्यादा युवा और ऑडिशंस के बाद मात्र 30 युवाओं को चुना गया थिएटर राउंड के लिए। आज ये सुपर 30 आ चुके हैं अपने अपने शहरों से मुंबई। और वो भी ऐसे समय जब न सिर्फ पूरे देश का मौसम म्यूजिकाना है बल्कि हर भारतीय का मिजाज त्योहाराना है। 3 साल बाद मैंने फाइनली सोचा था इस बार मैं अपने फैमिली के साथ त्यौहार मनाऊंगी, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि आइडल का आज थिएटर राउंड है, तो यहाँ पे अच्छे से फोकस करके मुझे गाना है। थोड़ा थोड़ा मिस कर रहे हैं कोलकाता की दुर्गा पूजा, बट हम मानते हैं कि अभी के टाइम में इंडियन आइडल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शुरू किया जाए जिंदगी गले लगा दे, क्या बात है, हमने भी तेरे हर एक हमको गले से लगाया है ना। पापा नमस्कार सर। शिवम हेलो सर। हेलो मैम। नमस्ते। कैसे हो सर? मैं बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हैं? ये तुम्हारा अंगूठा जो है ना, तुम्हें कहता होगा कि बहुत काम लेते हो मेरा। कितना काम करवाओगे यार, हर 2 मिनट में? तुमने तो लोगों की नाक में दम कर रखा है। तबिश, हमारी ना परेशानी की सिर्फ एक ही वजह है, पापा शिवम। एक तो सुबह ना 4 बजे उठ जाता है और 4 बजे उठने के बाद ये गरारे करता है, जोर से गरारे करता है, नींद एकदम डिस्टर्ब कर देता है। वॉकिंग के लिए? हाँ, वॉकिंग कर रहा हूँ। अच्छा, 2 राउंड ज्यादा मारना हर रोज। सुधरे बुड़ा, बिल्कुल पापा जैसा बनना चाहता है, इसका क्या है? मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। अरे भाई, पहले से पानी छांटना होगा। अरे, अरे, थाली थाली में गाली पर। हमको कुछ पता ही नहीं है, सारी दुनिया की जानकारी सिर्फ इसी को ही है। शिवम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो डब्बा है उसके लिए। कोई समझा क्या ये चीज है बुड़ा? शिवम के डब्बे में ना वो सारी चीजें जो मम्मी पापा और जो नाना जी रखते ना, जैसे कि ईयरबड, तेल, सुई धागा, ये सब चीजें वो रखता है, और चूरन। यहाँ तक कि उसमें वो सुई धागा तक रखता है, जब नवदीप के कुर्ते का बटन भी अगर निकल जाता है ना, तो फिर वो अपने सुई धागे से उसको सिल के देता है। वो उसके डिब्बे से उसको कोई अलग नहीं कर सकता, इतना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल हमारे पापा जी की तरह बातें करता है। पूरा दिन नसीहत लेते हो, नसीहत देते हो। हाँ जी सर, यहाँ पे तो दे ही रहा हूँ, मतलब ले भी रहा हूँ। तो पापा शिवम, आज तुम एक ग्रेट परफॉर्मेंस करके हमें यहाँ पर दिखा दो। श्योर सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। क्या बात है, वाह। नमस्ते विदीप्ता, कैसी हो? हम बहुत अच्छे मैम, आप कैसे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं। गोल्डन टिकट जीतकर कैसा लगा, क्या किया आपने विदीप्ता? मैम, गोल्डन टिकट मिलने के बाद हमारे घर में एकदम ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट हुआ। सब रिलेटिव्स हमारे घर पे आए, एकदम पूरा फेस्टिवल जैसा माहौल था एकदम पूरा। और फिर हम लोग खाना पीना मज़ा करना, फिर हम लोग अंताक्षरी खेले। बट मैम, हम उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए ज़्यादा अच्छे से। क्यों? घर पे इतने सारे लोग थे कि हम मतलब सबकी फरमाइश पूरी करते करते सारा टाइम किचन में ही गुजर गया। तो आपने कुक किया सबके लिए? हमको बहुत मतलब खाना बनाना बहुत पसंद आता है।
तो सबके लिए मतलब इतने सारे लोग जैसे कि चाचा के लिए समोसे, चाची के लिए प्याज के पकौड़े, फिर भैया के लिए लूची पूरी, ऐसे और भी बहुत सारे फरमाइश होती है। बट हम किचन से ही उनको कंपनी दे रहे थे, गुनगुना गुनगुना कि किचन से हम खेल रहे थे तक चली सबके साथ। आपने जो बात कही प्याज के पकौड़ों की, वाह बिल्कुल अलग ही मूड बन गया। हमारे वहाँ पे दुर्गा पूजा में हर एक साल हमारे घर में हम एक स्पेशल तरीके का हलवा बनाते हैं, तो आज हम वो आपके लिए लेके आए। तो हम लेके आए। हाँ जी लाओ ना। वाओ निकी और पूछ पूछ। विदीप्ता ये आपकी मम्मा ने बनाया है? नहीं ये हमने बनाया है। ओ। ये आपने बनाया है? Yes, ma'am. Wow. Oh, wow. Wow. कितना अच्छा दिख रहा है। वाह कैसा है मैम? सच में तुमने बनाया? Yes. बहुत ही अमेजिंग है। ठोको सा ना, थैंक यू सो मच। रोको ना खुद को रोको। मैं ये प्यारा सा शीरा जो देख रहा हूँ कि नेहू अभी ऑफर करेगी, अभी ऑफर करेगी। बाद मैंने तुम्हें देखा, तुम भी वहीं देख रही थी। यार ये मैं डाइट फूड ना खाता हूँ, लेकिन कभी कभी ऑफर, अभी ऑफर करना ही बंद कर दिया है लोगों ने, ऐसे कैसे चल सकता है? नहीं नहीं सर, आप खाइए ना प्लीज। नहीं नहीं अब मैं क्या खाऊं, ये देने को तैयार ही नहीं है। देखिए, अरे मुझे अभी एक बाइट खाना है। इतना मीठा शीरा खा के अब जो मीठी आवाज आपकी सुनने में अलग ही मजा आने वाला है। आज 30 में से सिर्फ 14 दावेदारों को गोल्डन माइक्स मिलेंगे, जिसमें से एक पापा शिवम ऑलरेडी जीत चुके हैं। इससे बाहर टेंशन है कि अब 29 लोगों के लिए रह गए सिर्फ 13 गोल्डन माइक्स। काफ़ी घबराहट हो रही है कि नेक्स्ट गोल्डन माइक किसे मिलने वाला है और मुझे गोल्डन माइक मिलेगा कि नहीं। डर तो लग ही रहा है, एक एक करके वो घटता जाएगा। मुझे अच्छे से गाना है एंड वो गोल्डन माइक मुझे भी चाहिए। बहुत डर लग रहा है क्योंकि अभी तक मेरा परफॉर्मेंस नहीं आया है और मैं गाऊंगी, कैसे गाऊंगी, कैसा होगा, मुझे सच में बहुत नर्वसनेस फील हो रही है। गोल्डन माइक पाने की फिक्र ने बाहर सबका चैन उड़ा रखा है। ऐसे में क्या अयोध्या से आए ऋषि सिंह जजेस के सामने बेफिक्र होकर परफॉर्म कर पाएंगे? मैं बचपन से अयोध्या में रहा हूं और इस जगह से इतना लगाव है मुझको क्योंकि बचपन यहां के भजन कीर्तन और साधु संत के बीच में ही बीता है, तो यहाँ पे ना हर एक गली मोहल्ला, छोटे हो चाहे बड़ा मोहल्ला हो, बड़े लोग हों चाहे छोटे लोग हों, यहाँ पे हर जगह बस राम नाम और यही लोग जपते रहते हैं और बस इसी का नाम पे ही मतलब उनके जीवन अपना व्यतीत करते हैं और कुछ नहीं। तो जैसे ये मेरा छोटा सा शहर अयोध्या है ना, ये दुनिया भर में हर जगह लोग जानते हैं अयोध्या के बारे में, इतना लोग जानते हैं। तो वैसे भी मेरे भी सपने इतने बड़े हैं कि मैं, अगर मुझको मौका मिले, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिले, तो मैं अपने आप को इस शहर की तरह इतना मतलब बड़ा करना चाहूँगा, इतना अच्छा करना चाहूँगा कि लोग मुझे भी जाने। राम राम सर। राम राम मैम। राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ऋषि, अयोध्या की पावन भूमि से तुम यहाँ सीधा इंडियन आइडल में आए और सुपरस्टार बन गए। तुम्हारी एक अलग लेवल की पॉपुलैरिटी हो चुकी है। आज जब थिएटर राउंड में लोग तुम्हें देख रहे हैं,
तो वो इस उम्मीद के साथ देख रहे हैं जैसे एक सुपरस्टार की फिल्म या सुपरस्टार का गाना सुनने वो आते हैं। तो वो लेवल की एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज तुम्हारी टोनल क्वालिटी ने जो झंडे गाड़े हैं ऑडिशन राउंड में, उसकी मिसाल हमेशा हिस्ट्री ऑफ म्यूजिकल शोज में दी जाएगी। थैंक यू सो मच। ऋषि, मुझे एक बात बताइए। जी मैम। आपने जाकर गोल्डन माइक मंदिर में चढ़ाया कि नहीं? मैम, बहुत बड़ी बात है पहली बात मेरे लिए कि गोल्डन माइक मिला, और गोल्डन माइक लेके गया तो चढ़ा के उनके सामने रख के मैंने उनकी प्रार्थना की, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। सबसे बड़े भगवान जो होते हैं वो तो हमारे घर में हमारे माता पिता होते हैं, राइट? मम्मी पापा आपके खुश हैं? जी मैम, बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश हैं। इनफैक्ट मेरी मम्मी अभी आई हुई हैं। अच्छा। टाइम पे मुझे मेरा परफॉर्मेंस देखने के लिए, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं कभी अपने मम्मी या पापा के सामने कभी ज़्यादा गाया नहीं। मम्मी का बहुत मन था कि इतने बड़े स्टेज पे आके मुझको लाइव गाते हुए सुने, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि वो आई हैं देखने। वाओ। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? हम ठीक हैं। ठीक हैं आप? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी, इतने बड़े स्टेज पे बेटा ले आया, बहुत खुशी की बात है। वाह वाह वाह, मुझे लगता है सारे अयोध्या वासियों के लिए भी बहुत ही खुशी की बात होगी। जी जी, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, आइए आप लोग भी दर्शन करने। जी बिल्कुल जी, सौभाग्य होगा हमारा। जी, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ऑल द बेस्ट ऋषि। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। ऋषि की जबरदस्त आवाज और गायकी सुनकर जजेस ने हाथों हाथ गोल्डन माइक दे दिया। अब तक 14 में से 2 गोल्डन माइक दिए जा चुके हैं। अब बारी है उस नायाब सिंगर की जो ऑडिशन के समय अपनी आर्थिक हालत की वजह से सारी रात स्टेडियम के बाहर ही खड़ी रही, पर अंदर अपनी सिंगिंग से उसने एक मिसाल खड़ी कर दी। बेटी में इतनी शिद्दत हो अपने पिताजी को क्राइसिस में से निकालने के लिए, ऊपर वाला तो वैसे भी देगा ही तुमको। जब 2018 में चाचा जी उस्ताद प्यारेलाल वडाली साहब की डेथ हुई तो वो काफी मतलब खौफनाक सा मंजर था हमारी जिंदगी में। मेरा ये दिल रोवे, तुझे जो कुछ होवे, नायक तुम मेरे हो। तो तब से मैंने फिर मेहनत करनी स्टार्ट कर दी, वो मैंने छोड़ दिया सारा म्यूजिक, जो मॉडर्न म्यूजिक था वो मैंने एक साइड पे कर दिया। मेरा ये दिल रोवे, तुझे जो कुछ होवे, नायक तुम मेरे हो, नायक तुम मेरे हो। मैंने देखा कि इसको शौक ही है गाने का, गला देख देखना भी पड़ता है ना, कुछ कर सकता है। आइए। नमस्ते। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। कैसा फीडबैक मिला आपको? भाई हमें तो बहुत कमाल मिला, आपको कैसा मिला? सर बहुत अच्छा था। जब गोल्डन माइक मिला तो मैं सबसे पहले अमृतसर गया ना घर, और पापा जी से मिला और उनको मतलब ऐसे सरप्राइज दिया कि ये मैं लेकर आया हूँ, जीत कर आया हूँ। बड़े खुश हुए पहले तो। बस इससे पता चल गया मुझे ये कुछ है गोल्डन मैच, ये वैसे मिलता नहीं है क्योंकि उनको परख हुआ है तो इसलिए मिला है। यहाँ से मोर लगती है फिर आगे लगती है। और कहा कि अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत दूर जाना है आपने, है ना? तो आशीर्वाद दिया उन्होंने अपना, और जो उनका गोल्डन माइक था वो अपने स्टूडियो, चाचा जी की फ़ोटो लगी है जी उस्ताद प्यारेलाल वडाली साहब की, और वहाँ पर उन्होंने वो रखा और वहीं पर रियाज करवाया फिर बिठा कर, जो मैं अब आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। याद पिया किया है।
खानदान का नाम ऐसा रोशन कर रहे हैं आप बड़ाली ब्रदर्स का नाम, इतने ऊंचे नाम को और ऊंचा करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ अलग ही डिवाइन कनेक्ट था आपका, तो आप बिल्कुल वैसे ही गाइए जैसे आपने पहले गाया था या जैसे आप अपने लिए गाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।